हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे बाबा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे गजानन भूत गणाधीशे काम कपेत्र जंबो भय चारु महासुतं शोक विना सकारकं नमामि पार्वण्यरोषो भक्तस्वभाव प्रेच्छामि त्वां धर्मसंमोदचेता यस्य यस्यान्निश्चितं रोहितं ये शिष्यस्ते कविं पुराणमनुशासिदार मनोरमीयां समनुस्मरेत्या सर्वस्य भागागमचिन्त्यरूप मागेत्य वर्णं तमस पश्यामि देवास्तवदेवदेह सर्वास्तथा भूतविशेषसंग्रहा ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थ नृसिंह सर्वा अनेकबाहुर्वक्त्रनेत्रा पश्यामि त्वां सर्वपूर्णरूपं मान्तं नमध्यं न पुनस्तवादे पश्यामि
के परमेश्वर के नाम गरिणाम चक्रिणाम चे गो राशे सर्वतो दीप्तिमान्तं पश्यामि मान्दो निरीक्षं समन्तात् पित्कानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतगर्भगो सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादि मध्यान्तमनन्त वीर्य मनन्त बाहु शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत क्षवक्त्वं स्वेदसावेश्वमिदं अपन्तं द्यावाग्रुधेयो जिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न देशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्राव्यधिकं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाय सन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयो स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्पलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्णाश्च गन्धर्वयक्ष सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते स्मितास्यैव सर्वे सानेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिता कृतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च देनामे गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं हेतास्ति वेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं ईश्वरमन्त्ररूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
कवितामहस्ते सुसहस्र नमः पुरस्तारकृष्टदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तरीया निकविक्रमस्तु सर्वम् अभेदि मात्वा सर्वयदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन भावि चारसार्थमशक्तिदोषी विहाय शैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमक्षं तत्क्षामयित्वा महमा पिताशिलोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय गायं प्रसादयित्वा महमीश वीर्यं हेम पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियप्रियायार्हसि अमेव माता चरिता तमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव राम। श्री गीता जी का पाठ छठा अध्याय श्लोक संख्या 41 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु प्राप्य पुण्यकृतं लोकानुषीत्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् भोगे जन्म यदि दृशम् तत्र तं बोधिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यत ते सततो भूय संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव प्रिय
देहवसु विसुरवियुवस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशोद्धकीर्दिश अनेक जन्म संसिद्धस्ततो जाति परांगति तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्यो विमतोऽधिक कर्मेभ्यस्ताधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगे नाम वे सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समेयोक्ततमो मद योगे नाम वे सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समेयोक्ततमो मद समेयोक्ततमो मद ॐ तत्सत् देखो बड़ी सीधी सरल बात है,
छूना है, केवल मानना है। आप जानते हो, मानते नहीं हो, क्षमा करना। शरीर और संसार अपना है ऐसा मानते हैं। शरीर और अपना संसार अपना नहीं था और नहीं रहेगा, ये बात सच्ची है ना। शरीर पहले ये नहीं था, पीछे नहीं रहेगा। पहले अलग था और पीछे अलग हो जाएगा, तो इतनी बात में है, अब भी अलग है। इतनी मान रही है, केवल इतनी बात ही मान रही है। पहले हमारे साथ शरीर नहीं था और आगे हमारे साथ शरीर नहीं रहेगा, ये बात तो सच्ची है ना। इस बात को अभी मान लेना कि अभी मेरे से साथ नहीं है, इतनी बात है। पूरी इतनी बात पूरी से। तो अपने साथ तो दिखता है, अपने साथ दिखता है शरीर तो दिखता है, अचानक दिखता है। विचार करो कि बालकपन में थे आप तो वही हो, क्या शरीर वह है, क्या आप भी नहीं हो। कितनी सीधी सरल बात है, कितनी सरल सीधी बात है। और एकदम तत्व ज्ञान है ये, ये जीवन मुक्ति है। संसार शरीर से छूटना मुक्ति है, छूटे हुए हो और मुक्त सोते ही हो। बंधन आपने मान रखा है, अरे मानव रहेगा नहीं, मानव और बंधन रहेगा नहीं। आप कितनी कोशिश को नहीं रहेगा, आप नया नया पकड़ते रहोगे, रहेगा नहीं। आप मानते रहो बालकों पर जवानी पकड़ी, पर बुद्धा पकड़ा, कभी रोगी पकड़ा, कभी निरोगी पकड़ा, कभी धनी पकड़ा, कभी निर्धन पकड़ा, पकड़ लो, रहेगा रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। तो क्यों मार दो कमाओ अपना, अब पकड़ना छोड़ दो, मुक्ति सोते है। परमात्मा को शंका है, शंका हो तो बताओ भाई क्या कह रहे। बंधन कहाँ है? बंधन शरीर को अपना मानना, ये यही है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, यही बंधन है। और बंधन है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई बंधन हो ही नहीं सकता। ये बेईमानी का नाम है बंधन, ईमानदारी का नाम है मुक्ति। बोलो कितनी सीधी बात है। इतना सरल कोई काम है संसार में? इतना सरल कोई काम है ही नहीं। आप फरमाओ सर, इतना सीधा काम कोई है? पहले अपना नहीं था और पीछे अपना नहीं रहेगा, सच्ची बात है ना। तो पीछे पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, वो अपना नहीं है। सपना आता है, उससे पहले सपना नहीं है, पीछे सपना नहीं है, तो स्वप्न काल में भी नहीं है। उनसे भी ज्यादा ये पक्की है, स्वप्न की अपेक्षा भी ये बात पक्की है। स्वप्न उस समय भूल थी, अभी भूल नहीं है, स्वप्न से भी ये बात बढ़िया है। तो पहले अपना शरीर नहीं था और फिर ये शरीर अपना नहीं रहेगा, ये बात सच्ची है कि नहीं? तो अभी अपना नहीं है ये, अभी अपने कैसे हुआ? कोई आ जाए मेहमान तो आ जाए तो मेरी आदर सत्कार कर दो, शुद्ध से सुशा खाने पीना की सुविधा कर दो। अपना कैसे है वो? है नहीं अपना। ऐसे शरीर की सेवा कर दो। शरीर की सेवा, संसार की सेवा, भगवान की एक है, एक ही है। मेरा माना सेवा गई, अपना मान करके चावरे में पालन करते हो, कोई पुण्य होता है क्या? चाहे तो अपना नहीं उनकी सेवा कर दो, चाहे सेवा कर दो उन्हें अपना मत मानो, टोटल एक ही आएगा कि नहीं बताओ? चाहे तो उनकी सेवा करो जिनसे अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई ममता नहीं है, ऐसा होगी। और चाहे जिनकी सेवा करो उसे स्वार्थ छोड़ दो, ममता छोड़ दो, क्या फर्क पड़े बताओ? कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है। मुक्ति बहुत ही सरल है, केवल अपने अनुभव का आदर करना है, अपने केवल अनुभव को महत्व देना है, सच्ची बात को दृढ़ता से मान लेना, इतनी बात है। पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा, अब भी अपना नहीं है, तो फिर क्या पड़ा
कि पहले अपना नहीं था तो कुछ करना नहीं पड़ा, फिर से नहीं तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपना अभी है तो इसी सेवा कर दो। स्थूल शरीर की सेवा, अन्य जाय वस्त्र दे दिया, आराम दे दिया भगत पर और बजन स्मरण किया, ये सेवा हो जाएगी। सुख भोगना है ये महाराज अनर्थ हो जाएगा, सुख भोगने से शरीर खराब हो जाता है। आज ये करते हैं ना, शरीर को नाश करते, बैगम भरने की कोशिश करते, बैगम मरेगा ही, जितना भोग भोगेगा अधिक उतना मरेगा जल्दी, नशा पता ज्यादा करेगा दरिद्र मरेगा जल्दी। तो शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हैं, सत्य के सत्या संसार के शरीर के साथ में अनाचार कर रहे हैं, शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं, और शरीर के अपना युक्त आहार विहार भोजन दे दिया, चलता पेड़ कर दिया, अपने दवाई दे दी, शीला के कपड़ा दे दिया, प्यास लगी जल पा दिया और भजन समय लगा दिया। तो शरीर की सेवा करनी, शरीर से सुख नहीं लेना है, सेवा वही ले सकता है सेवक सुख सहन मान भिखारी और लोभी यश सुख विचारी। सेवक सुख चाहे, सेवक सुख चाहता है तो शरीर से सुख था तो सेवा नहीं है भाई, चाहे स्थूल से है चाहे सूक्ष्म से कारण से, सूक्ष्म चिंतन कर सुख लेते हो और शो करके कारण शरीर से सुख लेते हो तो ये सुख चाहे सेवक नहीं है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी लोभ यश अशुभ गति में विचारी। तो सेवक सेवा करनी है, स्थूल शरीर की भी सेवा करनी है, सूक्ष्म शरीर की भी सेवा करनी है, कारण शरीर भी सेवा करनी है, सेवा लेनी नहीं है। तो चिंतन भी अपना नहीं है, समाधि भी अपनी नहीं है, कारण शरीर में समाधि होती है, चिंतन ध्यान सूक्ष्म शरीर में होता है और काम धंधा स्थूल शरीर में होता है। तो स्थूल शरीर की सेवा करो, तीनों शरीर की सेवा करो, चाहे संसार की सेवा करो, चाहे भगवान की सेवा करो। शरीर की संसार की सेवा करे वो कर्मी होगी, भगवान की सेवा करे वो भक्ति होगी, अरे आप अलग हो जाए ज्ञानी होगी, न सेवा करना न आप अलग हो जाए, बस संसार शरीर से अलग हो गया ज्ञानी योगी हो गया, और संसार की सेवा करी और शरीर की सेवा करी कर्मी योगी हो गया, अरे भगवान की सेवा और भगवान की सेवा करे भक्ति योगी हो गया, अरे संसार में छोड़ अलग हो गया ज्ञान योगी हो गया, और संसार ने सुख लिया शरीर से सुख लिया एक जन्म योगी हो गया। अब जन्म का योग है साथ में दुख हो साथ में, इसे गीता ने कहा दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुख के साथ संयोग का वियोग सना योग है। दुखादय संसार दुखादय मशाश्वतम माओ बेटे पुनर्जन्म दुखादय मशाश्वतम नापनवंती, दुखालय अशाश्वत फिर नहीं होगा मेरी प्राप्ति होने पर, दुखालय अशाश्वत है उसे सुख चाहते हैं, अब दुखालय में सुख मिलेगा, दुखालय है उसे सुख मिलेगा क्या, पुस्तकालय में धोती न मिलेगा, भोजनालय है पुस्तकालय है वस्त्रालय है ये दुखालय है, दुखालय में सुख ढूंढते हैं मिलेगा नहीं, दुख दुख ही मिलेगा, सुख मिलेगा नहीं, अरे दुख पाएंगे माँ मुफ्त में, क्यों मुफ्त में दुख पाओ, अपने संसार की सेवा कर दो और अपने मौज करो, और नहीं तो भगवान की सेवा में लग जाओ, शरीर को संसार को सबको भगवान में लगा दो, बाल बच्चों को भगवान में लगा दो और अपने भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओगे, क्यों भगवान की तो है मूल में चीज सब भगवान की है, माया भी भगवान की, शरीर भगवान का, संसार भी भगवान का, अब भी भगवान की, भगवान की दो प्रकृति बताई भगवान ने, अपरा और परा, अपरा प्रकृति है वो संसार जल प्रकृति क्षेत्र में अपरा, और जीव है परा, दोनों भी भगवान में लगा दो, भगवान को दे दो और अपनी ईमानदारी रख लो, अपनी है नहीं, अपने को भी भगवान में दो, मम्मी वांसो जीव ले गए और जीव भूता परा प्रकृति जीव है गे? वो भी भगवान अपना भी भगवान की है, अपनी है ही नहीं, बस मौज हो गई, कितनी शुद्धि बात है, अब भक्ति योग इतने कर्म योग सुख में आवरे, अपना प्रकृति संसार को दे दे, संसार की है अपने है ही नहीं, देना क्या है अपनी नहीं मानना है, ईमानदारी है छोड़ना नहीं पड़ेगा, है जी रहते ही
मान लो इतनी, जैसे अपने मकान में अंदर ये पंडाल अपना नहीं है, इसी मानी और बैठा लो मौज से आनंद से, और अपना नहीं है। घर में बैठे हो तो आए हुए हो, घर से चले जाओगे तो घर अपना कहाँ है? पहले अपना घर नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा तो बीच में घर अपना कैसे हो गया? बताओ, पहले घर अपना नहीं था, पीछे घर अपना नहीं रहेगा तो बीच में अपना कैसे हुआ? तो अपने को मिला है किस वास्ते? सेवा करने के लिए। देखो एक बात बड़ी मर्म सीधी बात है, मुफ्त में कल्याण होता है, मुफ्त में। अपनी नहीं है उसको अपनी नहीं मानना, अपनी नहीं है उसको दूसरों की मान लेना, दूसरों की है उनकी मान लेना, अरे पुण्य हो जाएगा बड़ा भारी। दान के थोड़ा थोड़ा दान करे, थोड़ा कपड़ा दे दिया, थोड़ा जूता दे दिया, थोड़ा अन्न दे दिया, थोड़े क्यों गए? आप थोड़े में पुण्य हो जाए, जन्म कितना पुण्य उसे, कितना पुण्य बताओ? समय दे दिया, संसार का है। आप भी भोजन करो, आप भी आराम करो ठीक तरह से, अपना मत मानो, आफत मिट जाएगी, कैसी बढ़िया बात है। मैं तो एक बात क्या करता हूँ कि मोटरों पर तो हम चढ़ते हैं, तुम्हारे पर मोटर चढ़ती है तो मैं इतना फेवर थी नफे में बताओ। तो हम तो मोटर पर कभी कभी चढ़ते हैं, और आप भी कभी कभी चढ़ते हो, चढ़ने पर आप पे तो चढ़ी रहती है मोटर, हम चढ़ने पर भी हमारे पर मोटर चढ़ती ही नहीं। सची झूठी मर्यादा मर्यादा मिल जाओ, जी जाओ सदा मिले, मर जाओ कैसे भाई? मोटर हमारे पर चलेगी तो हम तो मारे जाएंगे, तो मारे जाएंगे, जगह मोटर लगे जगह मारे जाएंगे, मैं क्यों मारे जाऊंगा? मैं तो मोटर पर चला, हमारे पर मोटर चले ही नहीं, मोटर पर चढ़ो तो ही मारे मोटर नहीं चले, नहीं चढ़ो तो हमारे पर नहीं चले, अरे मैं चढ़े तो हमारे मोटर से जुड़ी, अरे नहीं चढ़े तो मोटर से जुड़ी, बताओ तो तुम तेरे साथ मोटर चले गई उसे कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है बताओ। ऐसे कोई शुभ मार्ग है? ऐसे कोई शुभ तत्व है? अपनी नहीं है उसको अपनी नहीं मानना, ईमानदारी, इसका नाम है मुक्ति। अरे अपनी नहीं है उसको अपनी मानना, इसका नाम है बंधन, इसका नाम है बेईमानी। अरे अपनी नहीं उसको नहीं मानना, ईमानदारी, ईमानदारी के नाम है मुक्ति, ये बेईमानी का नाम बंधन। सत्संग करते हो कम से कम बेईमानी छोड़ दो, कम से कम कम से कम कम से कम बेईमानी नहीं करेंगे, बस मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति है बंधन, आपने बेईमानी से बंधन किया, बेईमानी करी बंधन हो गया, बेईमान छोड़ी मुक्ति हो गई। मकान में आप रहते हो, मैं अपने मकान चढ़ा रहता है, हम मकान में रहते हैं, हमारे पर मकान नहीं चढ़ता, कैसी मोदी बात बताओ? कपड़े उड़े है ना, ये कपड़ा आप पर तो ऊपर चढ़ जाएगा, हमारे पर चढ़ता नहीं, हम कपड़े ओढ़ रहते हैं, कपड़ा हमारे पर नहीं चढ़ता। एक अटकल है तो, और कुछ नहीं है, मुक्ति एक अटकल है, अटकल एक अटकल आ जाए नहीं आ क्या पता कर दो है एक अटकल है सीख लो, सत्संग से अटकल सीखनी और कुछ नहीं करो, नहीं बात सीख नहीं है, मुक्ति की अटकल है जो सीख लिया आपने, कितनी बढ़िया बात है। बताओ इनमें शंका है कोई? अपना है क्या शरीर? अपना है तो शरीर को रहने दो, अपने पास में रखेंगे नहीं छोड़ेंगे, रह दोगे, बना दो चौकी तरह से अच्छो बनाओ, अच्छो बनाओगे वो काला गोरा बना दो, थोड़ा सा बीमार होने मत दो, शौक है बीमार होगा, बीमार होने की मनुष्य देंगे तुम साथ रखेंगे हमें, आपकी स्वतंत्रता चलती है क्या शरीर पर? स्वतंत्रता नहीं चलती है कि मेरा है ये ठीक है, सीधी सारी बात है। बोलो मुक्ति कितनी सोरी है, कितनी सरल है, फिर बंधन क्या रहेगा बताओ?
अब बताओ बंधन क्या रहेगा? अपना शरीर नहीं, संसार नहीं, तो बंधन कहाँ है? बंधन मुक्ति हो गए, निहाल हो गए। युक्ति से बात ठीक दिखती है जी, युक्ति से बात ठीक दिखती है, युक्ति से बात ठीक दिखते हुए भी अपने में सामर्थ्य की, शरीर को अपना ना मानने में अपने में सामर्थ्य की कमी दिखती है। अच्छा, सामर्थ्य का बहुत ही बढ़िया बात है, अपने कमी दिखती है, परंतु बात सच्ची है कि झूठी है? तो अपने में कमी दिखती है, सहायता ले लो, अपने से नहीं हो सहायता ले लो, हे नाथ हे प्रभु समर्थ को पुकारो। असमर्थ होता है समर्थ को पुकारता है कि नहीं? तो समर्थ को पुकारते नहीं, समर्थ को पुकारो, हे नाथ छूटता नहीं मेरे भगवान, हे नाथ छूटता नहीं, हरदम व्याकुल रहोग छूटता नहीं, आफत आ गई छूटता नहीं हमारे से, तो पुकारो वो छुटा देगा, बिल्कुल एडजस्टी है ना आपके उससे, तो पुकारो सीधी बात है, पैसे छूटता नहीं, हे नाथ छूटता नहीं, मेरे से नहीं छूटता, रात दिन यही करोगे महाराज क्या करो, बिल्कुल बात सच्ची है, मैंने बेईमान नहीं करनी चाहिए, परंतु हमारे बेईमान छूटती नहीं मेरा, हे नाथ छूटती नहीं, हे प्रभु मेरे से छूटती नहीं, ऐसे रोने लग जाओ दुखी हो जाओ, छूट जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगी, करके देख लो। भगवान तो पुकारते ही तैयार बैठे हैं, माँ से ज्यादा है अभी, जैसे बच्चा माँ को पुकारे तो माँ गोद ले लेती है, उससे ज्यादा देखल हुआ भगवान माँ से, सदा की माँ है वो, असली माँ है, माँ है जिसमें तीन कमी है, भगवान में तीन विशेषता है, एक तो भगवान दयालु ज्यादा है माँ से, माँ तो कहते जी सा मर जाए तो नहीं हो, कहते भगवान कभी नहीं कहते मर जाए, भगवान कभी नहीं कहे, और माँ समर्थ नहीं है, अरे भगवान समर्थ है, माँ इतनी दयालु नहीं है, भगवान दयालु है, माँ इतनी जानती नहीं है, भगवान जानते हैं, ऐसी माँ है वो, बड़ी माँ है, भगवान जानते हैं और समर्थ है और दयालु है, तीन बात है, माँ इतनी समर्थ नहीं है, इतनी दयालु नहीं, भगवान जी दयालु नहीं है, मोह है उनमें, भगवान मोह नहीं है, चार बात हो गई, मतलब तीन याद ही, चौथी एक बात याद आ गई, और माँ में इतनी दयालु नहीं है, भगवान तो सूर्यदम सर्व होता है ना, संपूर्ण प्राणियों के परम सूर्य है, आप कुछ नहीं चाह करके सेवा ही करते ऐसे ही करते हैं, अरे माँ तो सेवा चाहती है, माँ तो बेटा जरूर नहीं हमारे पी नहीं आ सके, छोड़े पढ़ना हो हमारे बहु ऐसी ऐसी आशा रह गए, भगवान आशा रखी मैंने आपकी कहते नहीं आग करो मैंने भैया, कितनी बढ़िया बाबू, कैसी बात मिली, बढ़िया बढ़िया बात पूछी आपने, बहुत बढ़िया, छूटता नहीं, छोड़ना चाहते हो कि नहीं ये बताओ, है चाहते हो तो भगवान को पुकारो, जहाँ अपने से काम नहीं हो अपने से बलवान को पुकारो, भगवान सबसे बलवान है, अपने हैं भगवान, अपने हम ही वंश हो जीव लोग, हम भगवान का अंश है, अंश ही है भगवान, कितनी बढ़िया बात है, पुकारो एकदम चलते फिरते, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, मेरे से छूटता नहीं, हे नाथ छूटता नहीं, छूटता नहीं, छूट जाएगा, ये विश्वास होता है कि नहीं? महाराज जी इसमें एक बात ये है, हाँ? कि भगवान परिपूर्ण है, हाँ? सब कुछ ये, पर विश्वास में भी अभी थोड़ी कमी है, पुकार तो सकते हैं, हाँ? पुकार तो लूंगा, भगवान जैसे भी है, हाँ? भगवान को मैं पुकार तो लूं, हाँ? अपनी सामर्थ्य से पुकार तो लूंगा, लेकिन विश्वास में भी जो है कमी है, विश्वास विश्वास मांगो, ये भी जो कमी है भगवान से मांगो, आप जो कमी दी के भगवान से मांगो, कमी पूरी करते हैं भगवान, भगवान किसी की कमी नहीं रहने दे, भगवान पूरी करते हैं, पहले विश्वास की कमी मांगे या पहले विश्वास की कमी उसको मांगो, विश्वास दो ये पहले मांगो, पहले ये मांगो कि नाथ विश्वास दो, पीछे पड़ जाओ विश्वास दो, आपका विश्वास दो, बस फल उसे हो जाएगा, विश्वास आया काम सबसे बन जाएगा, भगवान विश्वास मांगो तुम्हारा, ऐसी कृपा को विश्वास दो, देखो विश्वास है, भक्ति है, प्रेम ये मांगने की चीज है,
संसार की स्वास्थ्यदार रुपया पैसा अनुकूल नहीं, मांगने की चीज नहीं है ये। मांगने की चीज भगवान का विश्वास, भगवान का विश्वास ये मांगने की चीज है। भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति। भगवान ने सब कहा ने गरुड़ काकभूषण जी को तुम अनिवार्य से दे देगा, मनिमारी दे दे दे, ये ले ले, ये ले ले। तो गुरु जी विचार काकभूषण जी विचार करते हैं, भक्ति आपने देने कही और तो सब देने कहा, भक्ति देने कही नहीं भगवान ने। तो भक्ति देने की नहीं, भक्ति मांगने की है। लोग तो कहते हैं भक्ति देने से भगवान को परवश होना पड़ेगा, इसलिए नहीं दे रहे, नहीं है। शर्म आवे भगवान को, बड़े आदमी को शर्म आती, मारो तो चेहरा पड़ जाए, मारो शिष्य पड़ जा, मैंने दे दे आबाद भले आदमी। भगवान के चेहरा नहीं बनावे, के माते नहीं बनावे, मित्र बनावे, मित्र सुग्रीव ने मित्र बनाए, विभीषण ने मित्र बना दियो, निषादों को मित्र बना दिया। भगवान चेहरा नहीं बनाते, माते नहीं बनाते भगवान, मारे बना भगवान शर्म आती है। इस बार भक्त बना लेने भगवान भक्ति आपने देने ने कही, बोलो कितनी विशेष बात है। तो भगवान ऐसा है, कितनी विशेष बात है। अपने जो भगवान के, अपने भगवान के हैं, भगवान की तरह सब मामा प्रिय, सब मामा उपजाए। आधा काम ज्यादा काम तो हुआ, थोड़ा सा बाकी है, अपनी तरफ से हाँ कर दो, हाँ कर दो, इतने काम उसको करना है। भगवान अपने है, अपना काम करते हैं, अपना प्रबंध किया है, अपने को जन्म दिया है, अपने को सब प्रबंध करते हैं, बिना टके पैसे आपके पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं भगवान। कोई है ऐसा नौकर, कोई नौकर समझा क्या? आपके पुण्य का पाप का सब हिसाब रखते हैं, ठीक तरह से बुद्धों से भुगतते हैं। ये तो कोई नौकर मिलेगा ऐसा? भगवान ऐसा कोई नौकर मिलेगा क्या? तो भगवान नौकर से नौकर है, मालिक से मालिक है, बड़े से बड़े हैं, मित्र से मित्र है, प्यारे से प्यारे हैं, सब तरह से। ऐसा कोई मिलेगा नहीं। न त्वत समोस्तभि का कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं, अधिक तो कैसे होगा। मौज होगी वैसे। नारायण 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 नारायण, सीधी शादी मुक्ति, मुक्ति तो सब सीधे। कितनी शुभ बताओ, कितना बढ़िया काम और कितना शोर और काम। संगे जाए गावरी थोड़ा मोली रिक्शुआ। नारायण 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 नारायण। राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 24 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कुलायत में हुआ। राम।